सहारनपुर में रेलवे स्टेशन के बाहर ड्यूटी से लौट रही आरपीएफ की एक महिला सिपाही की एक महिला के साथ मारपीट हो गई। कुछ लोगों ने तमाशा देखा, जबकि कुछ सुलझे हुए लोगों ने दोनों को छुड़वा कर पुलिस को बुलाया। बताया जा रहा है, पहले दोनों के बीच खाना खाते समय रेलवे स्टेशन पर कहा सुनी हुई थी। इसके बाद बाहर आने पर दोनों में हाथापाई हो गई। आरपीएफ में तैनात महिला पुलिसकर्मी प्रीति अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने कमरे पर लौट रही थी, तभी महिला ने उसे पकड़ लिया। दोनों में कहा सुनी हुई, दोनों में हाथापाई हुई। सड़क पर मारपीट होने के कारण जाम की स्थिति बन गई। महिला अपने बच्चे के साथ थी। आरोपी महिला खुशी का आरोप है कि वो रेलवे स्टेशन पर अपने बच्चे के साथ खाना खा रही थी, तभी महिला पुलिसकर्मी आई और उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद महिला दूसरी जगह बैठकर रोटी खाने लगी। खुशी ने आरोप लगाया कि दूसरी जगह भी वही पुलिसकर्मी आई और उसके साथ अभद्रता करने लगी। हालांकि आरपीएफ की महिला कांस्टेबल का कहना है कि वो रेलवे स्टेशन पर एडीजी रेलवे निरीक्षण पर आए हुए थे, इसी कारण सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही थी। उनका आरोप है कि महिला ने उनके साथ अभद्रता की थी। जी हाँ, आज ये मामला संज्ञान में आया था। ये दोपहर में पंजाब होटल के पास जब रेलवे स्टेशन से एक महिला आरपीएफ की जो कांस्टेबल है वो निकल रही थी वहाँ से ड्यूटी करके, तो उसके साथ एक महिला ने वहाँ पे बीच में रोककर बदतमीजी करी और उसके साथ मारपीटा जैसी घटना भी कारित की गई। वहाँ पे तुरंत आरपीएफ से और जीआरपी और बाकी स्थानीय पुलिस भी आई, बीच बचाव कराया। उसके बाद जो महिला जिसने मारपिटाई करी उसको हिरासत में लिया गया। महिला से पूछताछ में, जो अभियुक्ता महिला है उससे पूछताछ में ये पता चला है कि थोड़ी मेंटली स्टेबल नहीं है वो, और अपना नाम ही बता पा रही है कहाँ से है और उसके पिता या पति कौन है उसके बारे में भी वो नहीं बता पा रही है। उसके साथ एक 4 से 5 साल का एक बच्चा भी मिला है, उससे भी पूछा तो वो भी क्लियरली कुछ ज़्यादा बता नहीं पा रहे हैं। अभी के लिए उनको रिमांड लेकर जेल भिजवा दिया गया है। इसमें जो आरपीएफ की पुलिसकर्मी है उसकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत सदर बाजार में हो गया है। महिला अपने बच्चे को लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर आई। थोड़ी देर में वही महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने कमरे पर लौट रही थी, तो महिला ने उसे वहीं पकड़ लिया और दोनों में हाथापाई हुई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ मामले को दर्ज कर लिया है।